हेलो गाइस, तो आज चलिए बात कर लेते हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। तो अगर आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको चैनल बंद कर देना चाहिए? अगर आपको रियल कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं इस वाले वीडियो में बता दूंगा। तो इस वाले वीडियो को फुल अंत तक देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कैसे कि वो फेक है कि रियल है। अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया है, वो आपका खुद का कंटेंट है, फिर भी आपको बहुत सारा स्ट्राइक मिल जाता है, तो इसका मतलब वो एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। और टेक यूट्यूबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिलता है। और बात रही कि रियल कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मिलता है, अगर आपने सच्ची में किसी का कंटेंट यूज़ किया है, सपोज किसी का वीडियो यूज़ किया है या फिर कुछ भी अपने वीडियो में दूसरे किसी का यूज़ किया है, तो आपको अगर उसके रिलेटेड कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक रियल कॉपीराइट स्ट्राइक। और अगर आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो अपलोडिंग बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए, और फिर आपको को उधर होल्ड कर देना है। उधर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने दूसरे किसी का कुछ यूज़ नहीं किया है, फिर आपको उधर अपील करना पड़ेगा कि मेरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो आपका चैनल जो है होल्ड पे चला जाएगा और यूट्यूब उसको देखेगा कि वो सच्ची में फेक है कि नहीं, और फिर आपका तो वीडियो अपलोडिंग आपको बंद कर देना है। और उसके बाद आपको ट्विटर अकाउंट खोलना है, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आपका यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है उसे कॉपी करके ट्विटर में जाके वो लिखना है कि डियर टीम यूट्यूब, मेरे चैनल पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, मेरा चैनल का लिंक ये रहा। फिर आपको यूट्यूब को टैग कर देना है, और फिर अपने चैनल में या फिर दूसरे आपके किसी दोस्त अगर यूट्यूबर है या फिर कोई भी दूसरे यूट्यूबर्स के थ्रू उस लिंक को शेयर करवा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीट्वीट मिले और आपका बात जो है वो यूट्यूब जल्दी से जल्द सुने। या फिर आपको अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुका है तो आप डायरेक्टली मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपका मदद कर दूंगा। तो आप जब शेयर करेंगे ट्विटर पे, यूट्यूब कुछ दिन तक उसको रिव्यू करेगा। और बात रही रियल कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, तो रियल कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको आपके चैनल पे एक या फिर दो मिल जाए तो आपको 30 दिन के लिए आपके चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है, चाहे चैनल डेड क्यों ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका सपोज दो स्ट्राइक आ चुका है चैनल में और आप एक वीडियो बनाते हैं, गलती से दूसरा किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कुछ भी गलती से यूज़ कर दिया आपने, और वो बंदा अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है तो आपका चैनल फुल डिलीट भी हो सकता है। इसीलिए समझदारी की बात यही होगा, अगर आपको रियल कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपको आपके चैनल में 30 दिन के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है, और 30 दिन के बाद आपका जो स्ट्राइक है वो भी रिमूव हो जाएगा। स्ट्राइक पड़ने के बाद आप 7 दिन बाद आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बट 30 दिन तक आपका स्ट्राइक आपके चैनल पे रहता है। और 30 दिन में अगर आपका 3 स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल 7 दिन के अंदर बैन हो जाता है। इसलिए समझदारी की बात कि अगर आपके चैनल में स्ट्राइक गलती से भी आ जाता है रियल वाला, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। तो बस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इस वाले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ट्विटर दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल कंटेंट।